चिट्ठी जिस पर कई सुपर डुपर गाने लिखे गए और आज भी वह हमारी जहन में है, जैसे चिट्ठी ना कोई संदेश, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, डाकिया डाकला है, ऐसे कई गाने हैं जिन्हें हम भूलकर भी भूल नहीं सकते। लेकिन विडंबना है कि आज हम इस चिट्ठी को भी भूलते जा रहे हैं, क्योंकि चिट्ठी की जगह व्हाट्सएप फेसबुक ने ले ली है। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो चिट्ठी के प्रचलन को जिंदा रखे हुए हैं और वे चाहते हैं कि लोग आधुनिकता की दौड़ में पुरानी चीजों को ना भूलें। लोगों का मानना है कि चिट्ठी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं और यही विचार अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। लेकिन आज ये सभी भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। इस बारे में लोगों ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि चिट्ठी की वजह से उनकी गांव में पहचान थी और वे लोगों की चिट्ठियां लिखा करते थे और लोग उन पर बेहद विश्वास करते थे। वहीं उन्होंने कहा कि चिट्ठी एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति लिखते समय गहन चिंतन करता है और नए विचारों को जन्म देता है, जिससे उसकी सोचने की कला विकसित होती है। लेकिन आज का युवा पढ़ने लिखने की कला से दूर हो जा रहा है, जिसकी वजह से आज उसके लिखने की क्षमता खत्म हो चुकी है और आधुनिकता के दौर में वह खोता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे भी फेसबुक व्हाट्सएप उपयोग में लाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे चिट्ठी लिखना बंद नहीं करते हैं, जिसे सभी युवाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि उनकी लेखन प्रतिभा और विचारों में निखार आए। मुझे लगता है कि युवाओं में जिस चीज की कमी है वो है उसका गहराई से सोचना। एक पत्र लेखन ही एक ऐसी कला है जो युवाओं में गहरे सोचने के लिए अपनी प्रतिभा को उभारने में सहायता कर सकता है। मैं भी हमेशा छोटे मोटे पत्राचार करता हूँ, पोस्ट कार्ड लेता हूँ और हमेशा लिखता हूँ। फेसबुक व्हाट्सएप ऐसा नहीं कि नहीं प्रयोग करता हूँ, करता हूँ, पर ज़्यादातर मैं लेख अपने जो पत्राचार करता हूँ पोस्ट कार्ड और पत्र द्वारा ही करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूथ भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल को, अपनी प्रतिभा को उभारने के लिए पत्राचार का सहारा ले। हमारे गांव में अभी भी लोग जो है वो उनका चिट्ठियों के ऊपर बहुत विश्वास है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था तो मैं चिट्ठियाँ लिखा करता था और मेरे से वो जिस सारे लोग जो है वो चिट्ठियाँ लिखाते थे। आज भी वो मेरे ऊपर, उनका इतना विश्वास है कि वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मेरी चिट्ठियों के ऊपर विश्वास करते हैं कि मैं जो लिखता था तो वो सही होती थी और उनका जवाब जो कहते उनको आता था जैसा वो लोग चाहते थे। पिछले जमाने के लोग अपने हाथों से खत लिखकर लोगों को पहुंचाया करते थे, लेकिन आज के जमाने में लोग व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, अन्य माध्यमों से मैसेज लिखकर पहुंचाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आज के जमाने में भी मुझे अपने हाथों से मैसेज लिखकर लोगों तक पहुँचाना बहुत पसंद है। वहीं पोस्टल विभाग का कहना है कि आज भी काफी लोग पोस्टकार्ड और चिट्ठी लिखना पसंद करते हैं और रोजाना वे करीब 50 चिट्ठियां बेचते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर व्यवसाय से जुड़े लोग आज भी चिट्ठी पोस्टकार्ड का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में चिट्ठी पीछे छूटती जा रही है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। आजकल डाकघर के बारे में प्रचलित हो रहा है कि लोगों ने अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मैसेज को देना शुरू किया है, लेकिन अभी भी ये परंपरा जीवित है। बहुत सारे लोग हर रोज यहाँ पर डाकघर में आते हैं, यहाँ से एनवेलप खरीदते हैं, पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, अपने परिजनों को संदेश भेजते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने इस परंपरा को अभी तक जीवित रखा है। हर आयु वर्ग के लोग ही लगभग खरीदते हैं, जैसे कि चाहे बच्चे हो, वो अपने स्कूल के लिए भी, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए एनवेलप्स की जरूरत पड़ती है वो खरीदते हैं, और किसी कार्यालय से संबंधित हो वो भी खरीदते हैं। सभी आयु जैसे व्यापारिक वर्ग भी है, महिलाएं तो खैर भेजते ही हैं जैसे, तो व्यापारिक वर्ग जो है वो उनका मैक्सिमम जो अपना कुछ भी उन्होंने संदेश देना है या कुछ भी अपना ऑर्डर देते हैं कुछ भी है, तो पोस्ट कार्ड हमारे मैक्सिमम यूज होते हैं। वो पोस्ट कार्ड पे वो अपना भेज देते हैं और 50 पैसे, इसकी कीमत भी देखो 50 पैसे है और कम उसमें, कम रुपए में आपके, कम पैसों में आपका ये आपका संदेश काफी दूर तक जहां भी आप भेजना चाहें वो आपका पहुंच जाता है।